यू आर ट्राइंग टू कॉपी जैद अली स्पीकिंग स्टाइल। जैद अली के छोटे भाई, बाकी तो ठीक है लेकिन लड़के जैद अली को क्यों कॉपी कर रहा है? योर एक्सेंट इज मोर लाइक जैद अली। डोंट यू थिंक दैट हिज प्रोनाउंसिएशन ऑफ कार देते इज द सेम एज जैद अली? नो, आई एम द ओनली वन? यस, हाउ डेयर यू। तो ये रीडिंग मीन कमेंट्स, हेट कमेंट्स, अजम्पशंस, एलिगेशंस या जो भी कहना चाहते हो, मैं काफ़ी अर्से से करना चाहता था क्योंकि इस साल मैंने कोई क्यू एन ए नहीं किया और ऑनेस्टली मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत रिपेटिटिव क्वेश्चन आने लगे थे। सो उसको कोई और फॉर्मेट ढूंढेंगे तब करेंगे, बट आई थॉट तब तक वाई नॉट आंसर दीज। और मुझे पता है कि मेजॉरिटी में मतलब पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, इक्का दुक्का ये जो होता है हेट कमेंट्स, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ हार्ड कर दूँ या उधर ही रिप्लाई कर दूँ। इनको मैंने काफ़ी अर्से से इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लाइक आई डोंट रिप्लाई देम एनीमोर, चाहे जितना भी मतलब एक वो टेम्पटेशन आए कि नहीं इसको जवाब दो। सो आई थॉट व्हाई नॉट रिप्लाई देम इन दिस वीडियो। सबसे कॉमन द जैद अली कमेंट्स, यू आर ट्राइंग टू कॉपी जैद अली या जैद अली के छोटे भाई, जैद अली को छाप क्यों रहे हो? अब पहले तो इसकी जो वर्जन होती थी उसमें होता था कि जैद अली ऐसे लगते हो तुम, ठीक है? आई वाज लाइक लोगों की अजम्पशन है कि या लोगों को ऐसा अगर लगता है कि माय फेस लुक्स सिमिलर टू हिम, इट्स फाइन, इसमें कुछ गलत नहीं है, उनकी अपनी सोच है और लाइक अगर ऐसा लगता है तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड इट डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद आने लगा कि यू कॉपी जैद अलीज एक्सेंट या आपका एक्सेंट एक जैसा है, कर जो मैं बोलता हूँ कि हम क्या मतलब एग्जाम्पल दूँ, हम करते हैं या जी हम ये काम कर देंगे, तो लोग कहते हैं कि आप कार को कार करके बोलते हो, वाई डू यू प्रोनाउंस लाइक दिस, पेंडू की तरह मत बोला करो। एंड फिर आने लगा कि वो जैद अली की तरह तुम कॉपी कर रहे हो कार। आई वाज लाइक, पहले मुझे लगता था नहीं यार ये कहाँ से मैं कार और कार, मुझे कार नहीं सुनाई देता था क्योंकि आपको अपना लहजा नहीं सुनाई देता, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि ये चीज़ लोग सही बोल रहे हैं, मेरा जो कार को कार करने वाली चीज़ है वो जैद अली जैसी है। देख रहे हो कितनी मतलब साइंस इसके पीछे लगती है, कार को कार बोलने में कितना रिसर्च की गई है कमेंट सेक्शन में। खैर उसके बाद आने लगा व्हाई आर यू ट्राइंग टू कॉपी जैद अली स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है? एक दो सिमिलैरिटीज नहीं, मैं जैद अली को कॉपी कर रहा हूँ, तो उनको मैं आज जवाब देता हूँ। यस, आई एम ट्राइंग टू कॉपी जैद अली स्पीकिंग स्टाइल, क्योंकि एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर किसी बड़े यूट्यूबर, यू नो लाइक जैद मेरे से बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर किसी बड़े यूट्यूबर का एक्सेंट कॉपी करो ना, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, एक नई अपडेट आई है उसमें कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप किसी का एक्सेंट कॉपी कर रहे हो जो कि बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर है जिसके लाखों में व्यूज आते हैं, फिर आपकी वीडियो पे भी उस तरह व्यूज आने लग जाते हैं। कैसे दिया आपको है? इसलिए मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मतलब वीडियो पे रिसर्च करो, उसकी एडिटिंग करो, इस सब को छोड़ो फिर भी व्यूज नहीं आते ना, तो एक काम करते हैं, आज से हम बड़े यूट्यूबर्स के एक्सेंट कॉपी किया करेंगे। यू नो नेक्स्ट आई विल कॉपी प्यूडीपाई दैट फनी एक्सेंट दैट ही डज, स्टॉप दैट वन, या एंड देन आई विल कॉपी केएसआई अफ्रीकन एक्सेंट। मजाक कर रहा हूँ, कोई काम दी गलना कर रहा करो ना, एक्सेंट कॉपी करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है कि मैं बैठ के यहाँ पर उसकी मिमिक्री करता रहूँ कि जी जैद अली का एक्सेंट कॉपी करते हैं क्योंकि फिर उससे बड़ा फायदा होगा। कुछ बंदा कहता है जी तुमने उसका जोक कॉपी किया या तुमने उसका उसकी वीडियो आइडिया कॉपी किया है, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल, खैर उसे छोड़ो, बट एक्सेंट कुछ भी। और दूसरी बात जैद अली को कॉपी करने की, मैंने अभी तक दुपट्टा किया है। अच्छा, फिर हकीकत टीवी वाली वीडियो पे मतलब बड़े हेट कमेंट्स थे या मीन कमेंट्स या डम कमेंट, जो बोलना चाहते हो बोल लो, पूरी वीडियो बनाई जा सकती थी उस वीडियो के कमेंट्स पे, बट आई इग्नोर, इसलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा उसके कमेंट्स उठा नहीं रहा, लेकिन एक दो जो कॉमन थे उस पे उसका मैं करना चाहूँगा आंसर। तो ये वाला था 25 अप्रैल 2017 से अब तक 53 के सब्सक्राइबर्स हैं बस, हकीकत टीवी की 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यू आर जेलस बिकॉज यू ज्वाइन यूट्यूब इन अप्रैल 2017 एंड हकीकत टीवी वॉज लॉन्च इन ऑलमोस्ट December 2017 and now you see your subscribers and views also Hakikat TV, so you shut your mouth for next time making these type of videos. Pehle to if I shut my mouth next time in making these type of videos, how the hell am I supposed to make the video? You know, for a video you need to talk, this is not a स्टॉप मोशन। अच्छा भाई, अभी एक मिनट के लिए तुम भूल जाओ कि मैंने जिस यूट्यूबर पे वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उस पर मेरे क्या ओपिनियन से, जस्ट एक मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त रख के भूल जाओ। अब एक जरा कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक तरफ मेरा चैनल है 2017 से जहाँ तक स्टार्ट किया, बीच में कॉन्टेंट भी स्विच अप किया है, पर ठीक है उस चीज़ को भी इग्नोर कर दो, 100 से भी लेस वीडियोज़,
ठीक, अब हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों को बड़ा जो है ना शेरलॉक बनने का शौक है। एक तरफ ये हो गई 100 से भी कम वीडियोस और दूसरी तरफ हो गई हकीकत टीवी के कितने 2000 वीडियोस, अब पता नहीं उससे भी ज्यादा हो, मैंने लास्ट चेक किया था आई थिंक 2000 थी, और वो बंदा दिन में अपलोड कर रहा है 5 वीडियोस। दूसरी तरफ हम हैं जो एक महीने में 2 या 3 वीडियोस मैक्सिमम अपलोड कर पाते हैं, बहुत हुआ तो 4 हो जाएंगी पर वीक एक वीडियो के लिहाज से। अच्छा तो अब यहाँ पर लॉजिक कहाँ पर है, मतलब जब मैं वीडियोस उतनी अपलोड नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी ऐसे नहीं आएंगे। एंड आई नो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पर वीडियोस बहुत कम होती है लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो अगर तुम जाके देखो ओवरऑल 2-3% चैनल्स होंगे, नॉट एवरीवन ब्लोज अप लाइक दैट। अच्छा जी, इसी तरह दूसरे प्रैंक वाली वीडियो पे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि कौन ज्यादा काबिल है। उस तरह तो अभी एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई कि हुज द नंबर वन मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। उसमें इतना शॉकिंग आपको लगेगा ना कि ऑल दीज यूट्यूबर जिनको हम समझते हैं जो कि हैं रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो एक बंदा जिसने वो मेरे रश्के का री अपलोड किया, अपना कंटेंट भी नहीं है और उसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर तो भाई वो भी ज्यादा काबिल है जो वीडियो री अपलोड करके और 400 मिलियन व्यूज ले जाते हैं। सही, मतलब माशाल्लाह आपकी लॉजिक को क्या कहे बंदा। फ्रेग रोस्ट वीडियो पहले तो फ्रेग क्या होता है, फ्रेग नया वर्ड निकला फ्रेग, और चलो फारिग रोस्ट वीडियो कहाँ से आ गई है भाई, रोस्टिंग छोड़कर एक्सपोजिंग स्टार्ट कर दे तुझे भी फेमस होना खाना, अगर दूसरा रिप्लाई कर दे तो बल्ले बल्ले। अच्छा मैंने आज तक अपने टाइटल में कहाँ डाला है कि रोस्ट वीडियो, एक वीडियो बता दो जिसके टाइटल में हो के रोस्ट वीडियो, बस एक वो बन गया ओपिनियन लोगों का कि अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो या तो हेट है या वो रोस्टिंग है। कभी जाके देखना कि कमेंट्री YouTube कमेंट्री उसके आगे से सब जॉनर्स कितने, उसमें रोस्टिंग है, उसमें सोशल कमेंट्री है, उसमें पॉलिटिकल कमेंट्री है, पर नहीं जो बंदा दूसरे बंदे पे बात कर रहा है या किसी टॉपिक पे बात कर रहा है वो रोस्टर ही हो सकते हैं। सही है भाई, पाकिस्तान YouTube कम्युनिटी इट इज इंडियन वीडियोज रिएक्शन कम्युनिटी, ये हमारे कुछ इंडियन एक्सट्रीमिस्ट जो व्यूअर्स होते हैं उनके माइंड में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। एक्सट्रीमिस्ट भी अब यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इनके लिए कोई वर्ड हमें सेट करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हैं तो फिर मैं उनको जनरलाइज भी नहीं करना चाहता। तो अब इनको लगता है क्योंकि मैंने जैसे समझाया था, पूरा लेक्चर आपको दिया था कि इंडियन रिएक्शन चैनल्स के व्यूअर्स पाकिस्तान से, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स के व्यूअर्स इंडिया से, तो क्योंकि ये लोग खुद वो चैनल सिर्फ देखते हैं, इनको बाकी नहीं पता कि इसमें और कितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, तो इनको ऐसा ही लगता है कि ये लोग तो इंडियन कॉन्टेंट पर जो जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं यही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। ट्विटर भी मैं देख रहा होता हूँ जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल मसला खड़ा होता है तो ये कर रहे होते हैं कि ऑल पाकिस्तानी मेक वीडियोस अबाउट इंडियन कंटेंट और दे रिएक्ट ऑन इंडियन वीडियोस एंड इंडियन यूट्यूबर्स, सो व्हाई आर दे डूइंग दिस, यू आर इग्नोरेंट, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। हा हा हा, तू जिसकी बात कर रहा है वो यूट्यूब का सेकेंड सबसे बड़ा टेक्निकल चैनल है और उसका सब्सक्राइबर्स 1300 से 250 गुना ज़्यादा है और तू उनको सिखा रहा है कि अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं, और हाँ तू जिस गूगल की बारे में हम इंडियंस को बता रहा है जे मत भूल, उसका CEO इंडियन है डॉट। अच्छा ये तो मतलब हमेशा आता रहेगा सब्सक्राइबर्स का, मतलब बता दो और कोई आर्गुमेंट है नहीं है। अच्छा लेकिन तू मुझे अगर रिप्लाई दे रहा है तो मैं तो उस बंदे को डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, उसकी बातों पे मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, तो तू मेरी बातों पे मुझे जवाब दे, बीच में इंडियन CEO है गूगल का या उसका चैनल इतना बड़ा है तो तू अपनी बात कर ना, अगर तू मुझे रिप्लाई दे रहे है। ये फैक्ट उठा दिए कि नहीं ये CEO है और फलाना बंदा जो है ना वहाँ का इतना है, इंडिविजुअल बेसिस पे अपना मत बताओ, बस ये उठा उठा के हर जगह छापते जाओ। और जहाँ तक रही बात टॉयलेट गुरु जी की, तो उस पर शायद अलहदा से अपडेट करें क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने वीडियो ब्लॉक करने के बारे में फिर कभी अपडेट ही नहीं दी। यू नो वी वर रियली सैड एंड डिप्रेस्ड कि वी आर गन लूज सच अ गोल्ड माइन ऑफ टेक्निकल कॉन्टेंट। यार क्या इशू होता है, इस तरह आप एक्सपोज करके हमारा एंजॉय खराब करते हो भाई, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। एक वो बंदा कह रहा है कि आई नो कि ये बंदा फेक है, ये हमें उल्लू बना रहा है और ये सब कुछ हमें इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है, बट करने दो क्योंकि उस तरह हमें मजा आता है। नहीं लॉजिक अच्छी है, वैसे ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि बंदा एडमिट तो कर रहा है कि यार मुझे उल्लू बनने का शौक है। ओके एयर, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर टू टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ऑब्वियसली मैं वहां पर ज्यादा एक्टिव होता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो भी 2 वीक्स तक तकरीबन आ जाएगी, उसके बाद आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, सो सी यू देन एंड अल्लाह हाफिज़।